हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे कि यूके सबसे टॉप चॉइस बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। उसके दो रीज़न है सबसे बड़े। एक तो यूके के अंदर जनवरी इनटेक में और पिछले सितंबर इनटेक में भी ट्रैवल स्टार्ट था, और दूसरा पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिल रहा था, उसका भी एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए यूके नंबर वन पे बना हुआ है। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, जो पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर 2020 से। यानी कि अगर आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर है यूके से और उसके अंदर आप जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है 26,500 वो मीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम के तहत अपनी वीज़ा के लिए फाइल कर सकते हैं, जो कि आपको 5 ईयर्स का मिलेगा। कैसे आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको 70 पॉइंट्स चाहिए, उसके लिए अगर आप आई बेल पर क्लिक करेंगे तो मैंने एक पूरी टेबल बना के आपको डिटेल में समझाया है कि किस किस तरीके से आप पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी यूके वीआई ने जो अभी दी है। 1 दिसंबर से पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा, वो चीज़ ज़रूरी है समझना। तो पहली चीज़, जैसे ही आप अपने स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आपको 2 साल का वर्क परमिट तो मिलेगा ही। जैसे ही आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन होता है कि आपकी अगर सैलरी आप मिनिमम मीट कर रहे हो, जो कि 18,500 समथिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो अगर 18,500 के ऊपर अगर उसकी जॉब है 2 साल के PSW के ड्यूरेशन में, तो वो सीधा पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम में अपनी 5 ईयर का वीज़ा ले सकता है। यानी आपकी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद आपके पास 2 साल है जॉब सर्च करने के लिए, जिसके अंदर आपको मिनिमम जो सैलरी है वो मीट करनी होगी, और उसके बाद में आप 5 ईयर्स का डायरेक्टली वीज़ा फाइल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क परमिट वीज़ा। अगर आप अपने टैक्सेस टाइमली दे रहे हैं, अगर आप सब कुछ सही सही कर रहे हैं 5 साल के ड्यूरेशन में, तो आप सीधे PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अपनी PR फाइल कर सकते हैं। तो जैसे अब तक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता था, उससे भी कहीं इजी ऑप्शन अभी यूके ने कर दिया है, जिसमें आपकी PR बहुत इजी हो जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जनवरी इनटेक की, तो जनवरी इनटेक के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर अभी भी एप्लीकेशन ओपन है, जैसे कि बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी। लेकिन इन सभी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन करने के लिए आपको अपना फंड्स का प्रूफ साथ में एप्लीकेशन के अटैच करना होगा, अगर आप जनवरी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा मई इनटेक में काफी सारी यूनिवर्सिटीज ओपन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी एडमिशंस को लेके या फिर कैसे आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं उसको लेके, तो आगे हमें application02@meridian.org पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टेंट अगर आपको कोई आंसर चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां पे हम आपको क्वेरीज को विद इन 1 आवर सॉल्व करते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट्स आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।